नमस्कार, इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं निहारिका महेश्वरी। देश में माहौल अराजकता का है, एनार्की का है, ध्रुवीकरण और सियासत यहां पर तेज है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तेज है। विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है, मुद्दे क्या है, क्यों अल्पसंख्यक हमेशा वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, इन तमाम मुद्दों पर, न्याय से जुड़े महत्वपूर्ण मसलों पर आपके तमाम सवालों का जवाब आज हमारे खास मेहमान देंगे। हमारे साथ मौजूद है जफरयाब जिलानी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जफरयाब जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो मुजफ्फरनगर के हालात है, इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, जिम्मेदार तो इसका वो लोग हैं जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची इस वाक्य को करवाने की, और उसमें ज़्यादातर लोग बीजेपी से मुतालिक हैं। उन्होंने काफ़ी दिनों से माहौल पैदा करने की कोशिश की और 27 अगस्त के बाद से बिल्कुल मुनज़्ज़म तरीके से ये कॉन्स्पिरेसी रची और उसमें लोगों को उकसाया और गलत किस्म की सीडी सर्कुलेट की, गलत किस्म के SMS सर्कुलेट किए और ये जाहिर किया जैसे जाटों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, जाट लड़की के उस्ताद में जो वाक्य हुआ उस तरीके से। तो उन माहौल को ऐसा कर दिया कि वो लोगों ने आम लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए और नहीं, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन जो उस वक्त था वहाँ पर, उसने भी इसका अंदाज़ा नहीं किया। ये उसकी जिम्मेदारी स्लैकनेस है, नेग्लिजेंस है, और किसी हद तक और जा सकता है वो, तो अगर कोई इन्वॉल्वमेंट होगा तो वो जुडिशल कमीशन उसको देखेगा, लेकिन रहा उनका इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से उसमें रहा, इस उसमें की स्लैकनेस भी रही और उनके पास से कुछ ओमिशन भी हुए हैं और कुछ उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को पूरी तरीके से इन्फॉर्म करने में कमी की और इंटेलिजेंस रिपोर्टिंग भी नहीं प्रॉपर हुई है, जिसकी वजह से स्टेट गवर्नमेंट वाकिफ नहीं हो सकी। इतना बड़ा मामला होने वाला है, वरना पहले उस सुरक्षा के इंतजाम हो जाना चाहिए थे। तो इस तरीके से तीन लोग जो हैं इसके जिम्मेदार होते हैं, इतना बड़ा वाक्य हुआ। जिस तरीके से आप एक स्लीडीजनेस और स्लैकनेस की बात करें, खासतौर पर प्रशासन की आप बात करें, समय रहते कार्रवाई नहीं हुई, आपको नहीं लगता इस तरीके की हिंसा और जो सांप्रदायिक गतिविधियां घटनाएं जो बढ़ी हैं, खासतौर पर समाजवादी पार्टी के आने के बाद, जिसको अल्पसंख्यक दहशी मौलाना मुलायम एक तौर पर ख्याति दी जाती थी, उस शासनकाल में, अखिलेश सरकार के शासनकाल में, इस तरीके की सांप्रदायिक सौहार्द का माहौल क्यों नहीं पनप पा रहा, कौन जिम्मेदार? देखिए, ये हम आपको याद दिलाएं, पिछले दो रजीम में भी जब ये सरकार रही है समाजवादी की, तब इस तरह के वाकयात जो हैं वो ज़्यादा इसलिए होते हैं कि BJP इस माहौल में कुछ और नहीं कर पाती सिवाय इसके कि कम्युनल माहौल को ख़राब करे, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है वो मुसलमानों के हितों की काफ़ी हद तक सुरक्षा करने की कोशिश करती है और माहौल को बिगाड़ने के लिए ये BJP कम्युनल वायलेंस हमेशा करती है। पिछले साल मई के महीने शुरू हुआ है और ये मार्च में सरकार आई थी और ये चलता रहेगा सितंबर अक्टूबर तक, चूँकि इस सरकार के अपनी कोई बड़ी तादाद में अफसरान की कोई लॉयल्टी वैसी नहीं है जो कि लॉयल अफसरान होते हैं जो भी डेडिकेटेड वे में काम करी, ये अफसरान के साथ इसका बिहेवियर हमेशा एक बराबरी का रहता है, कास्ट बेस्ड अफसरान नहीं इनके पास होते हैं, लिहाजा इनको कुछ की सपोर्ट मिलती है, कुछ लोग पूरी जिम्मेदारी से काम करते हैं। आपके कहने का मतलब है चुनाव करीब आ रहे हैं तो एक जमीन बनाने की कोशिश की जा रही है, ध्रुवीकरण दो फाड़ हो जाए, हमारा वोट बैंक पूरी तरीके से हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर BJP का कोई और ग्राउंड नहीं रह गया है। जब से यहाँ पर BSP का उरूज हुआ है तब से जो उनका जाटो वोट था वो भी ख़त्म हो गया और जो बैकवर्ड वोट इनके पास था समाजवादी पार्टी के पास 1989 से वो बढ़ा, अब की इनको हर जाति का वोट मिला, ब्राह्मण भी मिला। पॉलिटिकल पार्टीज तो यही कह रहे हैं मुलायम और BJP की मिली, उनके अपना इंटरेस्ट है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस का इंटरेस्ट यही कि मुसलमान भी समाजवादी से हटे, BSP का इंटरेस्ट यही कि मुसलमान समाजवादी से हटे, तो इसके अलावा कुछ और कहने के उनके पास है नहीं। वो फेस नहीं कर पा रहे हैं BJP को डायरेक्टली, वो BJP को ब्लेम करते हैं तो समाजवादी को भी करते हैं, जो कि मुसलमान वो जानते हैं अभी भी उसका अटैचमेंट सबसे ज़्यादा समाजवादी के साथ में, तो इसलिए वो इनको दूर करने के लिए ये प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन आप एक बुनियादी बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि वो पार्टी जो मुसलमानों का सपोर्ट पा रही है वो मुसलमानों के खिलाफ कोई काम करवा के अपना सपोर्ट लूज क्यों करेगी, इससे उसे फायदा क्या हो रहा है? यही तो मुसलमानों को विश्वास नहीं, जितने धर्मगुरु हैं प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे, प्रधानमंत्री के जवाब से वो संतुष्ट नजर नहीं आए। सवाल ये है कि एक तरफ फिक्सिंग की बात की जाती है कि फिक्सिंग कर ली, अंडर द टेबल बात कर ली है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर बात की जाती है कि मैनिफेस्टो में किए गए जितने भी वायदे हैं वो पूरे करेंगे। आपको नहीं लगता है कि सरकार को एक सेक्युलरिज्म की जो छवि जो मैनिफेस्टो में की गई थी, जो चुनावी घोषणा पत्र में बात की गई थी, वो छवि कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है? देखिए, सेकुलरिज्म के मानी अगर ये समझे जाएं कि मुसलमानों को उनका हक ना दिया जाए तो ये सेकुलरिज्म के मानी कतई नहीं। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जितने इंटरप्रिटेशन किए,
चाहे वो माइनॉरिटी राइट्स के हों, चाहे वो सेकुलरिज्म के हों, सब में ये कहा है कि इसमें हर कम्युनिटी को फ्लोरिश करने का संविधान ने पूरा मौका दिया है, और जो कम्युनिटी पिछड़ गई हैं, जो सेक्शन पिछड़ गए हैं, जो कास्ट पिछड़ गई हैं, उनके लिए पॉजिटिव और अफर्मेटिव एक्शन ये संविधान की नीति के अनुसार है। तो इस सरकार ने जो आई है समाजवादी की, इसने मुसलमानों के लिए कुछ खास ऐलान किए थे और उस पर उसने अमल करना शुरू किया। हम आपके थे वर्ड पे फोकस कर रहे थे, लेकिन अभी ये कह रहे हैं कि फोकस नहीं, आजम खान नाराज। आजम खान की नाराज़गी की इंडिविजुअल नाराज़गी हो सकती है, लेकिन आजम खान ये नहीं कह सकते हैं कि उनके जो प्लान जो प्रोग्राम थे इस मैनिफेस्टो में वो कारी जी भी नाराज है, मुलायम पे दबाव बना रहे कि आप आजम को दूर करिए। तो ये इंडिविजुअल हो गया ना, बुखारी जी आप खुद कह रही दबाव बना रहे कि आजम को दूर करिए, आजम बुखारी जी को दूर करने की बात करते होंगे, तो ये इंडिविजुअल बात है, इसका सरकार की पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं है। सरकार की पॉलिसी में दोनों जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बात को सरकार ज़्यादा माने, और मान रही है। आजम खान का महकमा खुद माइनॉरिटीज़ का महकमा है, जितने काम हो रहे हैं ज़्यादातर माइनॉरिटीज़ मिनिस्ट्री के थ्रू हो रहे हैं। अभी एक ऐलान हुआ इस वजह से 10 दिन पहले दब गया कि 20% हर प्रोजेक्ट में जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं उसमें माइनॉरिटीज़ का शेयर रहेगा। ये माइनॉरिटीज़ इसका जो जियो इशू हुआ है माइनॉरिटीज़ मिनिस्ट्री के थ्रू हुआ है, तो आजम खान की मिनिस्ट्री में ही सबसे ज़्यादा चीज़ें वफ़ के जितने काम हो रहे हैं वो आजम खान की मिनिस्ट्री से हो रहे हैं। लेकिन ये वही आजम खान है जो तमाम बैठकों में शामिल नहीं होते हैं, पोस्टर तक हटा देते हैं, एकदम से उनका गुस्सा जग जाहिर हो जाता है, तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। क्योंकि मेरी मुलाकात इधर उनसे नहीं हो पाई है, 7 सितंबर को हुई थी, ये वाक़ात हुए हैं, नहीं 6 सितंबर को हुई थी, ये वाक़ात उसके बाद हुए हैं, तो हम इसके बारे में कुछ बता नहीं पाएंगे कि आखिर क्या सही है। बहुत सी बातें तो गलत कही आ रही। अब कल एक टीवी का उसका मैं रिपोर्ट में आ रहा था, टीवी रिपोर्ट में कि साहब उसने पूछा आपके एंकर ने या जो आदमी था क्या आजम का नाम, उसने कहा हो सकता है। अब वो मशहूर हो गया कि आजम, जबकि आजम खुद कह रहे हैं कि मैं वहाँ के मामलों में दखल नहीं, उससे मशवरा नहीं किया गया। तो एक मामूली से किसी को छुड़वाने के लिए आजम, बीजेपी के आदमी को छुड़वाने के लिए आजम खा टेलीफोन करेंगे, ये अकल में आने वाली बात नहीं है। लेकिन अब उसने कह दिया और उसका नाम आ गया और वहाँ से आजम खा के खिलाफ एक कैंपेन शुरू हो गया। तो अब ये तो आपको ये बात नहीं लग रही कि अब समय ऐसा आ गया है, क्योंकि तमाम जितने भी धर्मगुरु एक समय में मुलायम सिंह यादव को अच्छा समर्थन देने वाले, उनकी पार्टी में शामिल होने वाले, अभी बागपत के लोकसभा प्रत्याशी भी विड्रॉ कर गए, बहुत गुस्सा थे। जो विड्रॉ किए हैं वो बीजेपी के आदमी थे, वो कोई धर्मगुरु नहीं थे। हम लोग तो उनके खिलाफ पहले से भी रहे, उन्होंने बीजेपी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था, अच्छा हुआ विड्रॉ कर गए वो। आपको नहीं लग रहा कि अल्पसंख्यक और समाजवादी पार्टी के रिश्ते की समीक्षा करनी अब जरूरी हो गई है? जो ये वाकया हुआ है इसमें कोई दो राय नहीं कि मुजफ्फरनगर के वाकये से मुसलमानों में काफ़ी गुस्सा भी पैदा हुआ है, नाराज़गी भी है, लेकिन अभी तक मुझे नहीं मुसलमानों के किसी धर्मगुरु एक को छोड़कर, वो तो क्यों बयान दे रहे हैं मुझे नहीं पता, बाकी किसी धर्मगुरु ने ना तो चीफ मिनिस्टर की नीयत पर शुभा किया है ना मुलायम सिंह की नियत पर शुभा किया। ये ज़रूर कहा है कि जिम्मेदारी इन लोगों पर आती, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। जो भी हेड ऑफ़ स्टेट होगा, हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा, उसकी जिम्मेदारी होगी अगर कहीं कोई जनता में कोई सेक्शन मारा जाता है, किसी को नुकसान होता है, और वो उसको लोग कबूल भी करते। आपको नहीं लगता अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए किया जाता है? चुनाव आते, चलिए मैं आपको कांग्रेस के याद दिला दूं, विधानसभा चुनाव जनवरी में हालांकि इसको क्वैश किया गया, कोटा विद इन कोटा की बात की गई, सरकार अभी आप ही ने बोला 10% आरक्षण की बात की जा रही है, हर मैनिफेस्टो में अल्पसंख्यकों की बात की जाती है, इतनी बातें होने के बाद भी स्थिति लचर, बेबस और बदतर क्यों है? देखिए ये बात तो आपकी सही है कि ज़्यादातर पार्टियाँ अल्पसंख्यकों का इस्तेमाल इलेक्शन के लिए करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि मैं इनको 86 से देखा है, मुलायम सिंह की सरकार बनी 89 में, उस रिजीम में तो ये कोई ख़ास काम नहीं कर सके, क्योंकि बाबरी मस्जिद के मसले पर ही इनकी सरकार जो है वो 1.5-1.5 साल चल पाई, और फिर सेंटर की सरकार गिर गई, इनकी भी गिर गई, तो उसमें तो कोई ख़ास काम नहीं कर सके। लेकिन जब दूसरी मरतबा बने 93 में, तब इन्होंने वो काम किए तीन जो कांग्रेस पार्टी पिछले 15-20 सालों में नहीं कर सकती थी, ऐलान कर रही थी। लेकिन इन्हीं के पार्टी के सचिव हालांकि अनुशासनात्मक कार्रवाई करी, यासीन भटकल पर विवादित बयान दे। देखिए यासीन भटकल का बयान अगर उनका जो है, मैंने उसको सपोर्ट नहीं किया, बल्कि हम कहा गलत बयान था, लेकिन अगर आप यूँ देखें तो बयान बहुत ज़्यादा गलत नहीं जितना मीडिया ने पेश किया। उन्होंने खाली ये कहा था कि अभी इसको यकीन न माना जाए, हम भी कहते हैं इस बात को, लेकिन हम पहले नहीं कहते, हम ये कहते हैं चूँकि ये आदमी 5 साल से भागा हुआ था, लिहाजा डाउट होता है कि ये आदमी होगा ज़रूर, मतलब क्यों भाग गया था, अगर कोई मुलजिम नहीं था तो फौरन सरेंडर करेगा, तो एक इन्फ्रेंस निकलता है कि उस लगता है उसका इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो इसलिए उन्होंने ये बात नहीं कही। उससे जब पूछा अखबार वालों ने, मैंने यही कहा,
तो उनके बयान में इस तरह से रिपोर्टिंग हुई कि पार्टी को नुकसान हुआ और इसलिए पार्टी ने उनके खिलाफ जो कार्रवाई की। एक और महत्वपूर्ण बात, सरकार का मैनिफेस्टो में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यही था कि आतंकवाद के नाम पर निर्दोष नौजवान जो पकड़े गए उन्हें हम छुड़ाने का काम करेंगे, इसके एडवांटेजेस प्रोस कॉन्स दोनों क्या हो सकते हैं? बिल्कुल सही, सरकार ने कहा था निर्दोष, और अगर कोई निर्दोष आतंकवाद के नाम पर गिरफ्तार है तो यकीनन उसको छोड़ा जाना चाहिए। ये सब ने किया है, हर सरकार ने किया है, कांग्रेस ने भी किया है। देखिए यहाँ पर जो NIA ने किया है मालेगांव में, कितने छोड़े गए बताइए? यहाँ पर 19 ऑर्डर्स हुए हैं और वो सब सरकार की नज़र में और हम सब की नज़र में निर्दोष हैं। एक के बारे में जुडिशियल रिपोर्ट मौजूद है जो अभी कल परसों हाउस में टेबल की गई, निमेश कमीशन रिपोर्ट। दो आदमियों के बारे में है, खालिद मुजाहिद और तारिक, उसके साथ दो और मुलजिम हैं। उस रिपोर्ट ने जुडिशियल कमीशन ने जो मायावती ने अपॉइंट किया था 2008 में, ये रिपोर्ट दी है कि इन दोनों के अरेस्ट बाराबंकी से जो है वो डाउट संदेहास्पद है, सस्पिशियस है। जफरयाब जी, आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, क्या आप ये नहीं मानेंगे? मुझे पता है आप नहीं मानेंगे, लेकिन आपका नजरिया मैं जानना चाहती हूँ। BSP शासनकाल रहा, SP शासनकाल रहा, लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन किस किस शासनकाल में बेहतर थी? देखिए बिल्कुल आप सही कह रही हैं, मैं इसमें गलत बात को वो नहीं कि डिफेंड करूँगा। इसमें इस वक्त शासन लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन कुछ पहले के मुकाबले में जाहिर है कुछ कम है और ये फसादात की वजह से और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लेकिन दो बातें आपको देखना पड़ेंगी। आप खुद अफसरान से जाके बात करिए कि पिछले 5 साल के रजीम में क्या उनको फ्री हैंड था या इस रजीम में उनको फ्री हैंड है। तो अब इस अंदाज फंक्शनिंग दोनों की अलग अलग है। जो उनका बिहेवियर रहता था अफसरान से पुराने चीफ मिनिस्टर का, उस वो बिहेवियर तो हम एक्सपेक्ट नहीं करते मौजूदा चीफ मिनिस्टर से या शिवराज सिंह यादव साहब से, क्योंकि इनह्यूमन बिहेवियर या अनबिकमिंग बिहेवियर से नहीं चल सकता है। तो इनके रजीम में जो BJP माइंडेड लोग हैं और BJP के अपनी जो लोग हैं पॉलिटिकल लोग हैं, उनका सबका एक वो रहता है कि इस सरकार में फसादात जितना भी है आपको लॉ एंड ऑर्डर में जो नज़र आ रही कमी, वो सब इसी वजह से है। जहाँ जहाँ कम्युनल राइट्स चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, आप इस पे कमेंट क्या करेंगे कि कम्युनल राइट्स होते हैं पॉलिटिशियन ही उसको हवा देते हैं, उसी को पनपने पे मजबूर करते हैं? अगर पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल पार्टी इस चीज़ों में इंटरफेयर ना करें तो कौमी एकता बरकरार रहेगी, इस पे आपका क्या? देखिए मैं तो ये बिल्कुल आपसे एग्री कर रहा हूँ कि ये कम्युनल पॉलिटिक्स कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग उस कम्युनल पॉलिटिक्स से फ़ायदा उठाते हैं। सेकुलर पार्टीज़ अगर खुद मैदान में आए, और इसका नुकसान हुआ हमेशा कि इस वक्त जो कुछ हुआ है मुजफ्फरनगर में उस पर उनका इसका इस पर जोर कम है कि वहाँ की सिचुएशन नॉर्मलाइज हो, इस पर जोर ज़्यादा है कि गवर्नमेंट का फेलोर क्या है। तो ये जो कम्युनल ये जो लीडरान का तरीका है इससे नुकसान होता है, लेकिन अब है उनका तरीका, वो समझते हैं इससे फायदा होगा। प्रोडक्टिव चीज़ें महत्वपूर्ण मुद्दे वो कहीं ना कहीं धूमिल हो जाते हैं, भटक जाते हैं। छोटे से अंतराल के लिए आप पर रुक रहे हैं, जफरयाब जिलानी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन्होंने 1986 की बात करी तो इनके एक इनिशिएटिव की बात कर ले हम, बाबरी मस्जिद इस विध्वंस के विवादित केस को कौन भूल सकता है। इस फैसले सुप्रीम कोर्ट का कितना बेसब्री से फैसले का इनको इंतजार है। इंडियन जुडिशरी जो सियासत के शुद्धिकरण के तमाम उपाय सुझा रही है, इंडियन जुडिशरी किस तरीके से सिस्टम में पॉलिटिक्स में और इसके साथ जो सोशो इकोनॉमिक स्थिति है भारत की उसमें किस तरीके का बदलाव कर सकती है, कितनी दरकार है और कैसे हो बदलाव, इस पर बात करेंगे। जल लौट रहे हैं। जफरयाब जी, 30 सितंबर 2010 कितना महत्वपूर्ण था आपके लिए और अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कितना बेसब्री से आप इंतजार कर रहे हैं? फाइटर हैं आप, डटे रहे, इतने पक्ष सामने आए, कुछ थ्योरी सामने आए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी अपने तथ्यों को पेश किए, उसके बाद भी आप अपने स्टैंड पर अडिग रहे और राइट्स के लिए फाइट कर रहे हैं। देखिए चूँकि हमारी नज़र में ये मसला बाबरी मस्जिद का ये सिर्फ हिंदू मुसलमान का मसला नहीं था और आज भी हम उसको उसका हिंदू मुसलमान का मसला नहीं समझते, बल्कि भारतवर्ष के सेकुलर एथॉस और रूल ऑफ लॉ का मसला, इसको हमने हमेशा समझा है। इसी वजह से धीरे धीरे नॉन मुस्लिम्स में हमारी सपोर्ट बढ़ती गई और आज हम पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि नॉन मुस्लिम्स की मेजॉरिटी हमारे साथ में है, BJP के साथ में नहीं है। आप क्या सोचते हैं कि वो राम जन्मभूमि वहाँ पर नहीं थी, क्या वहाँ राम मंदिर नहीं था, इसमें आपका क्या मानना है, आपके क्या तथ्य हैं? देखिए हमारा तो इस पर ये विश्वास है कि जो हिस्टोरिकली साबित हो गया है कि उस जगह पर जहाँ बाबरी मस्जिद बनी हुई थी ना रामचंद्र जी की वो बर्थ प्लेस है और ना ही वहाँ पर कोई राम जन्म स्थान मंदिर था।
ये बात शुरू हुई है 1773 के करीब, जब एक फ्रेंच राइटर ने आया था, उसने जो है वो एक राइटर तो था इटालियन वगैरह, फ्रेंच में उसकी किताब आई और उसने कहा कि यहाँ पर एक झूला है। वो झूले से बात शुरू हुई, वो जो बाहर का चबूतरा है जो इस वक्त चबूतरे की शक्ल में था, वो वहाँ से बढ़ते बढ़ते 1857 के बाद ये वहाँ पर एक चबूतरा बना जिसको उस वक्त हटाने का आदेश हुआ, लेकिन वो हटा नहीं, इसकी वजह से वहाँ पूजा कायम रही। 1721 का चबूतरा वो वहाँ से चलता रहा और 1949 तक उस चबूतरे पर पूजा होती रही, अंदर का कोई दखल नहीं रहा। और उसके बाद 1949 में वो जो मूर्ति रखी गई है 26/27 दिसंबर की रात में, वहाँ से वो शुरुआत होती है, 22/23 दिसंबर की रात में वहाँ से शुरुआत होती है, तो वहाँ से वो अंदर का हिस्सा बंद हो गया। तो अब फाइंडिंग जो सुप्रीम कोर्ट की आई वो पूरी तरह हम इस मामले में हमको सपोर्ट करती है। सुप्रीम कोर्ट की 3 फाइंडिंग है। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 22 दिसंबर के पहले उस जगह पर अंदर कोई मूर्ति नहीं थी, ये मूर्तियाँ वहाँ पर 22/23/1949 की रात में रखी गई, तीनों जज की फाइंडिंग। हमारा यही केस था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिस्टोरिकली ये साबित नहीं हो सकता है कि रामचंद्र जी की बर्थ प्लेस कहाँ पर है, ये दो जज की फाइंडिंग है। उन्होंने कहा कि लेकिन चूंकि एक जज ने कहा है कि सैकड़ों साल से, एक जज ने कहा है कि दर्जनों साल से, वहाँ पर कुछ लोगों का ये हिंदुओं का अकीदा रहा है, विश्वास रहा है कि रामचंद्र जी की जन्मस्थान वो बीच वाले दम गुम्बद के नीचे है, इसलिए ये जगह इनको दे दी जाए, ये रीजनिंग। आपको नहीं लगता कि इसका हल शायद कभी ना निकले? नहीं, बिल्कुल निकलेगा, जस्टिस डिलेज इज जस्टिस डिनाइड। तो हमें यकीन है कि हाई कोर्ट का मरहला सबसे मुश्किल था। 30 सितंबर का फैसला कम से कम एक माइलस्टोन है इंडियन जुडिशरी में भी और इंडियन डेमोक्रेसी में भी। बाहर एक कंसेशंस बनाने की कोशिश की गई? नहीं, देखिए इसलिए मुमकिन नहीं है कि वो लोग अपने स्टैंड से हट नहीं सकते और हम जानबूझकर किसी मस्जिद को दे नहीं सकते, ये हमारे फेथ के खिलाफ है। हमारा फेथ भी संविधान में बराबर का है। आपको नहीं लग रहा अयोध्या वासियों को अब अमन चैन की आशा है, ना कि इन चीज़ों? बिल्कुल सही, और हम ये यकीन के साथ कह सकते हैं कि भारतवर्ष में और अयोध्या में खास तौर से लोग न्यायालय के जजमेंट को महत्व देते हैं और वो न्यायालय का जजमेंट मानेंगे। जो फैसला आएगा वो आपके लिए फाइनल? बिल्कुल फाइनल, हमने तो कह रखा है कि जो फैसला आएगा उसको सब लोग मानेंगे, और हमें यकीन है कि विश्व हिंदू परिषद माने ना माने, लेकिन भारत के जो हिंदुओं की अक्सरियत है, मैं तो कहता हूँ 90% अक्सरियत इसको मानेगी, कम से कम 10% हो सकता है उसमें ना माने। 22 सितंबर से दोबारा 84 कोसी परिक्रमा शुरू होने लगा? नहीं, 84 कोसी नहीं, ये 5 कोसी है। अच्छा। 5 कोसी तो रवायती है, उसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं, इसलिए 5 कोस की परिक्रमा। लेकिन अगर इसमें BHP शामिल हो जाए तब दिक्कत होगी? देखिए BHP शामिल हो तब भी मेरा ख्याल से अब इसको दिक्कत नहीं पैदा कर पाएगी, क्योंकि ये आम हिंदुओं की चीज़ है, वो तो 50 साल से कभी हुई नहीं थी 84 कोसी, ये आम हिंदू इसमें होता है। मैं समझता हूँ BHP इसको कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगी। हाल ही में 2 महत्वपूर्ण फैसले आए, जनप्रतिनिधित्व की धारा 8 की उपधारा का 4 कि अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में खासतौर पर एक याचिका के जवाब में बोला कि जातिगत रैलियों पर रोक लगे। अब बहुत अच्छे फैसले हैं, शुरू में पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका स्वागत किया, लेकिन उसके बाद उसकी काट की बात की गई, उसमें संशोधन पर विचार किया जा रहा है कि कानून में किस तरीके से संशोधन, और पार्लियामेंट से लेकर विधानसभा में ये मुद्दा उठा। आपको नहीं लग रहा कि जुडिशरी सियासत के शुद्धिकरण के लिए उपाय कर रही है, पॉलिटिकल पार्टीज होने नहीं देना चाहती सिस्टम की? देखिए, जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है कि जिसमें कहा गया कि साहब कन्विक्शन होते ही मेंबरशिप खत्म हो जाती, हम इसको इंडियन पॉलिटी में बहुत हद तक डेमोक्रेसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं मान सकते, क्योंकि ये टेस्टेड बात है कि दर्जनों मुकदमे रिवर्स होते हैं और लोग जो सेशन से सज़ा पाते हैं, मजिस्ट्रेट से सज़ा पाते हैं, वो आगे जाके छूट जाते हैं, वही न्यायपालिका छोड़ती है। तो अब ये कह देना कि न्यायपालिका तुरंत उनकी मेंबरशिप ख़त्म हो गई, इसका मतलब ये है अगर वो बिल्कुल इनोसेंट है तब भी उसकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाएगी, तो ये इसका मेयार क्या है? सुप्रीम कोर्ट को इसको देखना पड़ेगा, और जो पार्लियामेंट अगर इसको देख रही तो मैं समझता हूँ सही देख रही है कि वो लोग जिनको उच्च न्यायालय कह रहा है कि नहीं इनकी अपील, इसके सेंटेंस को हम रोक रहे हैं, क्योंकि हमें सुनना इसमें तथ्य लग रहे हैं, तो जहाँ तथ्य लगे कि न्यायालय को ही तथ्य लगे और वो जजमेंट को स्टे कर दे, तो फिर मेंबरशिप ख़त्म होने का बाहिर कोई अच्छा फैसला नहीं माना जाएगा। चुनाव के समय आरक्षण की बात की जाती है, अल्पसंख्यकों को आरक्षण की जद में लपेटने की कोशिश की जाती है, एक लॉलीपॉप पकड़ाया जाता है, हकीकत हम देखते हैं चुनाव के बाद। अगर हम कानून की बात करें तो कानून कहता है मजहब के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, दो डिफरेंट बातें हो गई। नहीं, देखिए ऐसा है
ये जो कह रहा है गलत कह रहा है। केरला में 1958 से मजहब के आधार पर रिजर्वेशन मौजूद है। कानून सर क्या? कानून से, कानून में नहीं है कहा गया है, कहीं नहीं कहा गया कि मजहब के आधार पर नहीं होगा। ये कहा गया है कि जो बैकवर्ड हैं वो बैकवर्ड क्लास में कम्युनिटी भी आती है। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले हैं। बैकवर्ड जो भी हैं उनके लिए अफर्मेटिव एक्शन ये रखा गया है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली की डिबेट से लेके सुप्रीम कोर्ट के फैसलों तक ये कहा गया है। हम ये मानने कि धर्म के आधार पर वो नहीं होगा, धार्मिक एंटिटी को बैकवर्ड मान के होगा। केरला में जिस तरह उन्होंने माना है कि जिनकी आमदनी उस वक्त जब शुरुआत हुई तो 6,000 था, फिर 12,000 हुआ, अब मुझे नहीं पता कितनी आमदनी है। कितनी आमदनी के लोग, 5 कम्युनिटीज़ के लोगों का रिजर्वेशन है वहाँ, मुसलमान भी हैं उसमें, क्रिश्चियंस के भी एक सेक्शन है, हिंदुओं के भी सेक्शन है, जो आज तक चला आ रहा है। तो इसका मतलब संविधान में इसी गुंजाइश है, कोई कम्युनिटी अगर बैकवर्ड हो जाए, पूरी कम्युनिटी, और उसके लिए बैकवर्ड साबित हो, जिस तरह ये रिपोर्ट आई रंगनाथ मिश्रा कमीशन की, और उसने कहा कम्युनिटी के इतना पोर्शन जो है वो बैकवर्ड है, तो इस पर हो सकता है रिजर्वेशन। और ये रिजर्वेशन जो आपका शेड्यूल कास्ट का है 1950 से धर्म पर आधारित है। हम उसको कह रहे हैं धर्म पर आधारित में हमको शामिल करिए। 1950 में जो प्रेसिडेंशियल आर्डर आया है आर्टिकल 341 के तहत, उसमें ये कहा गया कि जो लोग शेड्यूल कास्ट वही लोग होंगे जो हिंदू धर्म के मानने वाले हों। और उसके बाद इसको अमेंड किया गया 1958 में, और कहा गया इसमें सिख धर्म के मानने वाले भी शामिल किए गए, फिर इसमें 79 के करीब में बौद्ध धर्म के मानने वाले शामिल किए गए। तो धर्म पर आधारित रिजर्वेशन तो 1950 से मौजूद है। पर्सनली आप क्या मानते हैं आने वाले समय में राजनीति, विकास की राजनीति, आप प्रेफरेंस इसको देंगे या फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स? नहीं देखिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स विकास के लिए होना चाहिए। विकास के लिए अगर वोट बैंक पॉलिटिक्स है तो जाहिर है कि वो जमहूरियत के मुताबिक है, डेमोक्रेसी के अनुसार है। अगर मुसलमानों के लिए जो पिछले हुए माने जा रहे हैं, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पार्लियामेंट से पास हो चुकी, मंजूर हो चुकी, वो मानती है कि पिछले हुए, तो पिछले होने के आधार पर शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन दिया गया 1950 में, बैकवर्ड्स को दिया गया वो वीपी सिंह साहब के ज़माने में मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर, उसमें कुछ मुसलमान भी हैं। इसी तरीके से अगर उसको आधार बनाया जाता है, वो भी डेवलपमेंट है, मुसलमानों को अगर इस आधार पर दिया जाता है वो पिछड़े हुए हैं, जो अप्रूव्ड है, पिछड़े हुए माने हुए हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। नरेंद्र मोदी पीएम पद के उम्मीदवार डिक्लेयर हुए बीजेपी के लिए, उनका फोकस हर धर्म को अब साथ में लेने के लिए है, खासतौर पर वो पसमानदा मुस्लिम्स पर फोकस कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी पे क्या? देखिए, अगर वो पसमानदा मुस्लिम्स पर फोकस कर रहे हैं तो वो अभी पार्लियामेंट जिसमें यही आर्टिकल 341 में जो पसमानदा मुस्लिम शेड्यूल का सबसे पसमानदा मुस्लिम है, जो शेड्यूल कास्ट के लिए इंटाइटल हैं, मसलन मेहतर हैं, धोबी हैं, नट हैं, इनको वो डिक्लेयर करवा दें इनके लिए कि शेड्यूल कास्ट हो गए, हम मान जाएंगे, तो वो उनका बयान देना और उसका अमल करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। यही बीजेपी थी जिसने सुप्रीम कोर्ट में लिखित हलफनामा दिया था कि हम बिल्डिंग को बाबरी मस्जिद के डिमोलिश नहीं करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे, और उसके बाद दोनों ने जो उसको कर गए और वहाँ गिरवा दी मस्जिद। तो इनके कॉल और फेल पर भरोसा करना आसान नहीं, तो ये अमल करके दिखाएं त्रिलो मोदी साहब, तब हम सोचेंगे हाँ भाई। चलिए सर, जाते जाते जो हाल ही में जो सांप्रदायिक घटना हुई है, हमारे चैनल के माध्यम से हिंदू मुस्लिम भाइयों के लिए आप क्या अपील करेंगे? देखिए, हम ये अपील करेंगे कि ये इत्तेफाकी तौर पर जो लोग फरीक हो गए वो तो हो गए, लेकिन जिन्होंने मुनज़्ज़म तरीके से किया है उनको सज़ा मिलना चाहिए, सख्त से सख्त, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हों और चाहे कोई दूसरे हों। दूसरे ये कि पूरी एफर्ट होना चाहिए कि जो एक दूसरे में कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हुआ है वो रिस्टोर हो, और जो वहाँ रह रहे थे वो लोग खुद उनको बुला के लाएँ, चाहे वो हिंदू वहाँ से निकले हों चाहे मुसलमान निकले हों, और फिर उसी तरीके से रहें जैसे पिछले 50 साल से रह रहे थे, तो अभी ये देश तरक्की कर पाएगा, वरना मुजफ्फरनगर बहुत पिछड़ जाएगा। और अगर ये खलीज कायम रहती है तो ये बहुत ज़रूरी है, और आपके चैनल ने इसमें मेरा ख्याल काम भी किया है, और ये सिलसिले में मेरा ख्याल से जितना भी आपका चैनल तो रोज़ अपील भी करता है, मैं देखता हूँ, क्योंकि आपके एडिटर साहब को यहाँ मैंने 86 से भेजा थे रिपोर्टर, तो उनको हम जानते हैं, वो सेकुलर जहन के 100% हैं, इसलिए आपके चैनल तो कोशिश कर रहा है और आगे भी कोशिश होना चाहिए कि जो गिल्टी है उनको सज़ा मिले, चाहे वो हिंदू हैं या मुसलमान हों, कोई चैनल उसको प्रोटेक्ट ना करे, और जो वाकई में लोग मजलूम हैं, घरों से भाग आए हैं, उनको रिहेबिलिटेट करने की पूरी कोशिश हो। इस ग्राउंड पर उसके लिए खिलाफ कुछ ना हो सकता, वो मुसलमान हैं तो इनके लिए क्यों इतना हो रहा है, हिंदू हैं तो क्यों ज़्यादा नहीं हो रहा है, जो भी डिजर्विंग हैं, जो वाकई में अपरूटेड लोग हैं उनको रिहेबिलिटेट करने की पूरी एफर्ट होना चाहिए, तभी उनके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा और वो वहीं पहुँचें,
वहीं पहुँचाए जाएँ जहाँ वो रह रहे थे। वहाँ के लोगों की जिम्मेदारी है कि वो कॉन्फिडेंस क्रिएट करें उनमें कि वो वहाँ आएंगे तो सिक्योर रहेंगे, अब कोई ऐसा वाक्य नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जफरयाब जी। एक अल्पसंख्यक क्या चाहता है, इसके अलावा मीडिया का क्या रोल होना चाहिए, और इसके अलावा मौजूदा कानून व्यवस्था, देश की जो स्थिति है, जो गर्त में जा रही है, उसको उभारने में कितनी सक्षम है, इन तमाम पहलुओं के जरिए, उदाहरण के जरिए हमें बताने के लिए हमारे चैनल से बात करने के लिए। तो अब ये चीज़ देखिए, ये तो बिल्कुल सभी अल्पसंख्यक कुछ और नहीं चाहता सिवाय इसके कि जो उसके संविधान में दिए हुए अधिकार हैं वो उसको दे दिए जाएँ, और उसके लिए मीडिया से वो एक्सपेक्ट करता है कि मीडिया ही ने पीएम मोदी को आज एक तरीके से अछूत बना दिया है, और मीडिया जब भी कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उनके किसी को कोई भी हो, चाहे वो पीएम मोदी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, उनकी जो सही पिक्चर है वही देगा। और मीडिया ये एक्सपेक्ट करते हैं हिंदुस्तान में कि मीडिया के ज़रिए से जितनी भी कम्युनल फोर्सेज हैं, चाहे वो मुसलमानों में हो, चाहे हिंदुओं में हो, चाहे और लोगों में हैं, वो एक्सपोज होंगी, और जो सेकुलर लोग काम करना चाहते हैं उनकी मीडिया हमेशा मदद करेगा ताकि देश में, हमारा देश वाकई में वो तरक्की कर सके कि जो कर सकता है, और दुनिया में तमाम डेवलपिंग कंट्रीज में बराबरी से सोने की चिड़िया। ठीक, थैंक यू सो मच। We'll be right back.